सो हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल गाइस। जैसे कि मैं अपने अगले वीडियो में आपको बोल चुकी हूँ, मैं आपको एक लिप बम बनाना सिखाऊंगी DIY। मैंने एक DIY लिप बम को दिखाया था अगले वीडियो में, तो अब मैं इसको बना के आपको दिखाऊंगी कैसे। और यहाँ पर मैंने बहुत ही मतलब अच्छा इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, जो कि आपको होठ को कुछ भी नहीं मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको वो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में भी दे दूँगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं उसको। इसको आप ब्लशर जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और लिप बाम तो है ही ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें एक बहुत ब्लशर के बदले में ब्लशर ऐसे लगाने से कभी कभी किसका जिसका खास करके ड्राई स्किन है उसका मतलब बहुत ही केकी दिखता है। तो आप ये वाला जो मैं लिप बाम दिखा रही हूँ आपको वो ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको आपका स्किन केकी नहीं दिखेगा मेकअप करने के बाद ओके। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लिप बम बनाने के लिए आपको चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स ओके। ये सब कुछ शायद आपके घर में है, शायद नहीं आपके घर में होगा। तो इस लिप बम को मतलब हम ऐसे बनाएंगे ताकि इसका जो ये हमारे मतलब होठों को कोई भी इफेक्ट ना करे, और हमारे होठ को बहुत ही मतलब हेल्दी रखे ओके, और बहुत ही ग्लोई रखे हमेशा। इसको मतलब होठ पे कोई भी कालापन आने ना दे ओके, क्योंकि कालापन आ जाएगा तो हमारा होठ बहुत ही ख़राब दिखते हैं ओके, और दिन ब दिन वो ख़राब होते ही जाते हैं ओके। तो देखते रहिए, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एलोवेरा जेल ओके, एलोवेरा जेल, उसके बाद आमंड ऑयल, देन उसके बाद हनी, देन उसके बाद ग्लिसरीन, देख सकते हैं आप ग्लिसरीन। और मैंने लिया है एक लिपस्टिक, ये है एलेटिन का लिपस्टिक ठीक है। और उसके बाद मैंने लिया है एक लिप बम, आप वैसलीन भी ले सकते हैं जो 5 रुपये का या 10 रुपये का आता है, मैंने ऐसा वाला सैशे लिया। फिर एक छोटा सा कंटेनर लिया, इन सब चीज़ों से बनेगी ये लिप बम। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले थोड़ा सा आमंड ऑयल ओके, आप एक टेबल स्पून लीजिए, मैं उसके हिसाब से ले रही हूँ। उसके बाद लीजिए 1/2 टेबल स्पून ऑफ ग्लिसरीन, देन 1 टी टेबल स्पून ऑफ हनी, मैं उसके हिसाब से ही ले रही हूँ, आप स्पून से नाप के लीजिए। इसके बाद लीजिए 1/2 टी टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल, इसको ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। इसके बाद हम लेंगे ये लिप बम, लिप बम नहीं मतलब वैसलीन, आप 5 रुपये का जो वैसलीन आता है वो ले सकते हैं, मैं ये ले लेती हूँ। इसको थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, आप पूरा जो 5 रुपये का आता है वैसलीन वो पूरा ही ले सकते हैं, मतलब बहुत दिन चल जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ, पूरा सैशे भी लेने से कुछ नहीं होगा, लीजिए। उसके बाद हम लेंगे ये लिपस्टिक, इसको हम काट लेंगे। आप लिपस्टिक नहीं होने से आपके पास अगर कोई भी आई शेडो कलर है, या आपके पास कोई ऐसे पुराने लिपस्टिक्स है मतलब जो कि ऐसे आप यूज़ नहीं करते, उसको भी आप लिप बम में लिप बम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा काट लूँगी यहाँ से, ज़्यादा मत लीजिएगा ओके, क्योंकि हमें एक लाइट कलर चाहिए, और इसको आप ब्लशर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बाद इसको हमें मेल्ट करना है, इसको आप डायरेक्टली गैस पे मेल्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसका अच्छा जो गुण होता है वो निकल जाएगी। और इसको हम डबल बॉयलर पे बॉयल कर लेंगे ओके, अब देखते रहिए। सो फ्रेंड्स देखिए, तो ये जो मैं लिप बम के बारे में बोल रही थी, तो इसको बनाने के लिए आपको एक ऐसे पैन में थोड़ा सा आपको पानी लेना है ओके, फिर उसको उबाल लेना है अच्छे से, अब देखते रहिए। तो यहाँ पर हम इसको दे देंगे इस तरह से ओके, ये मेल्ट हो जाएगी। तो अब देख सकते हैं ये मेल्ट हो गया है, तो अब देख सकते हैं ये कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो हम अब इसको एक अच्छा सा कंटेनर में डाल के इसको फ्रीजर में रख देंगे, उसके बाद आप इसका फाइनल लुक देखेंगे।
मेरा ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो देखने के लिए।